कभी नेवी ऑफिसर, कभी डॉक्टर तो कभी इंजीनियर बनकर इंस्टाग्राम के जरिए लड़कियों को और महिलाओं को टारगेट करके उनसे ठगी करने वाले मास्टरमाइंड को उसके एक साथी के साथ द्वारका जिला के साइबर सेल थाना की पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक नाइजीरिया का रहने वाला है और दूसरा दिल्ली का। इनके पास से 6 मोबाइल, लैपटॉप, एटीएम कार्ड आदि बरामद किए गए हैं। इनके गिरफ्तारी से चीटिंग के 10 मामलों का खुलासा पुलिस ने किया है, जो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र के हैं। डीसीपी द्वारका एम हर्षवर्धन ने बताया कि 25 अक्टूबर को इससे संबंधित एक शिकायत द्वारका साइबर थाना में दर्ज कराई गई थी, जिसमें एक पीड़ित युवती ने बताया कि उसको अननोन इंस्टाग्राम के जरिए मैसेज रिसीव हुआ था फ्रेंडशिप के लिए। मैसेज भेजने वाले ने अपने आप को नेवी में इंजीनियर बताया था। उसने बातचीत आगे बढ़ाकर शादी का प्रस्ताव दिया और उसके बाद उसने विदेश से गिफ्ट भेजने के बहाने कस्टम एयरलाइंस के लिए चार्ज पे करने के लिए कहा। उसके बाद फिर आरोपी ने कहा कि मैं इंडिया आ रहा है तो टिकट के लिए पैसे भेजने के लिए। इस तरीके से उस युवती को बेवकूफ बनाकर 11,39,000 ठग लिए। इस मामले को सुलझाने के लिए एसीपी ऑपरेशन राम अवतार की देखरेख में एसएचओ जगदीश कुमार, सब इंस्पेक्टर साहिल, हेड कांस्टेबल प्रमोद, ममता और कांस्टेबल मनीष की टीम ने छानबीन शुरू की। टेक्निकल सर्विलांस की मदद से जिस इंस्टाग्राम के जरिए मैसेज आया था उसकी जब छानबीन शुरू की गई और जिस बैंक अकाउंट में अमाउंट भेजे गए थे उसकी विस्तृत छानबीन की, फिर पूरे मामले का खुलासा हुआ। इस मामले में पुलिस ने चंद्र विहार इलाके के सुंदर सिंह को पकड़ा है, जो ठगी का अमाउंट अपने अकाउंट में मंगवाता था। इससे जब पूछताछ हुई तो उसने बताया कि वह ग्रोसरी का शॉप चलाता है। उसने एक नाइजीरियाई नागरिक के कहने पर उसके साथ शामिल हो गया और कमीशन बेसिस पर अपने अकाउंट में अमाउंट मंगवाने लगा। उसके बदले उसे 10% कमीशन मिलता था, जिसके बाद पुलिस ने नाइजीरियन ठग को भी ट्रैप लगाकर गिरफ्तार कर लिया है।